शुद्ध हल्दी चाहिए और पहाड़ की हल्दी चाहिए ना, कमेंट भी कर देना। जिसको काले बकरे चाहिए होंगे पूजा के लिए, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब जो है ना पूरी तरीके से पक गया है। बुढ़े लोग जो है ना वो आज भी क्या करते हैं, गर्मियों में कुर्ते के बाहर से जो है ना भोटी पहने रहते हैं। आज तो हवा ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई अब गर्मी के दिन जो है ना स्टार्ट हो गए हैं। हल्की हल्की धूप भी लगे और ज़्यादा तेज धूप भी ना लगे, तरफ हौले बीच वाली। इसके सर में भी बाल हैं और पैर में भी बाल हैं। ये देखो, एक यहाँ पर लगा रखे हैं कुछ पेड़ यहाँ पर लगा रखे हैं, कुछ पेड़ यहाँ पर लगा रखे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के लगभग 11 बजे से। और बात करें मौसम की तो मौसम देखो आज एकदम क्लियर है और पहाड़ के पीछे से जो है ना हल्के हल्के से बादल भी आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर हमारी माता जी और भाभी जी जो है ना आज गेहूँ बना रही हैं और इतने सारे गेहूँ लेके आए हैं। कौन खाएगा भाई इतने गेहूँ? गेहूँ खाओगे आटा है? एक रूप से गेहूं तो गेहूं बना रहे हैं और अभी ये पहुंचाने भी होंगे। कौन पहुंचा रहा है? हमारे भाई साहब देवर जी हमारे तो गेहूं तो बना रहे हैं लेकिन पहुंचाने जो है ना भाभी जी के भाई साहब आ रहे हैं बस। अब पता नहीं कौन से भाई साहब आते हैं वो। देवर जी मेरे। अच्छा देवर जी, तो ये कहो फिर ना यार देवर जी हैं करके। और भाभी जी और मम्मी जी तो यहाँ पर गेहूँ सुधार रहे हैं और हमारे बापूजी क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बापूजी जो है ना हमारे अपने बकरियों के ही गोठ में कुछ ना कुछ खुटर पुटर लगे रहते हैं। कभी छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं तो कभी बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं, कभी उनके लिए छाया के लिए कुछ बनाते हैं, तो कभी जैसे जाड़ा हो जाता तो जाड़ों में बाड़े वगैरह बांधते हैं। तो आज क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आज जो है ना हमारे बाबूजी ने अपनी बकरियों के लिए जो है ना ये बना रखा है। देखो ऊपर से हमारे पास जाली थी, वाली मुर्गा जाली बची हुई थी और इसमें जो है ना चारों तरफ से डंडे लगा के उसको ऊपर से डाल दिया है और उसके ऊपर जो है ना अब इस तरीके से बोरे बिछा रहे हैं ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे रहें इसके नीचे रहते हैं दिन में, तो इनको जो है धूप ना लगे और हल्की हल्की धूप भी लगे और ज़्यादा तेज़ धूप भी ना लगे, तो इसलिए जो है इसमें बोरे डाल दे रहे हैं। तो अभी बज रहा है 3 और आज जो है ना हवा बहुत तेज चल रही है। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो सामने पेड़ भी एकदम हिल रहे और इस हवा से और ये जो चमकती हुई धूप है ना इससे पता चलता है कि अब गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो आज तो हवा ने भी कंफर्म कर दिया कि भाई अब गर्मी के दिन जो है ना स्टार्ट हो गए हैं। तो अपनी जो जैकेट वगैरह है इनको खोल लो और टी शर्ट वगैरह निकाल लो। तो अभी जो है ना मैंने जैकेट नहीं खोली है, इसका भी एक रीज़न है। जैकेट पहनने का रीज़न ये है कि मेरे दादाजी बताते थे कि अगर तुम गर्मियों में अगर गर्म कपड़े पहनोगे तो तुम्हें ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। और वैसे भी ये मेरा भी मानना है कि अगर अभी से हम अगर सैंडो या टी शर्ट में घूमने लग जाएंगे तो जब गर्मी चरम सीमा में होगी तो उस टाइम पर तो हम गर्मी को सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ना अभी से हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर बना के रखेगी, तो बाद में क्या होगा कि हमको गर्मी का एहसास नहीं होगा अगर हम टी शर्ट वगैरह पर भी घूमेंगे तो। क्योंकि पुराने जो लोग होते थे बुढ़े लोग जो है ना वो आज भी क्या करते हैं गर्मियों में कुर्ते के बाहर से जो है ना भोटी पहने रहते हैं, क्योंकि जो धूप की किरणें होती है ना वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब कि बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, तो उनको इतना गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो यही चीज़ हमारे बूढ़े बताते थे कि जैकेट या फिर मोटा कपड़ा कोई पहने रहोगे तो तुम्हें कुछ दिन प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद जो है ना आपको गर्मी एकदम इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए जो है ना मैं जैकेट पहनता हूँ। और हमारे बाबूजी लेके आए थे पहाड़ से हल्दी, तो जो कच्ची हल्दी थी ना वो हम लोगों ने पका दी है। आज एक इतना बड़ा भड्डू है हमारे पास, ये है सिल्वर का है ना, सिल्वर का ये जो है ना इसको भड्डू बोलते हैं। तो ये है, तो इसमें जो है ना हम लोगों ने एक बार तो पका दिया। अभी कितना होगा? दो तीन भड्डू है, तो अभी 2-3 भड्डू और पकाने हैं। और ये वाला जो है ना पूरे तरीके से पक चुका है। ये पक गया कभी? पत्ता कैसे चलना रहा लोगों ने? हरा हो रहा है? अच्छा, तो ये जो है ना अब पिलकने, हाँ पिलकने लग गए, ये अलग भी हो गया है। तो अब जो है ना पूरी तरीके से पक गया है और इसको हम लोग सुखाने डाल देंगे और जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा फिर इसी को खाएंगे। और ये हमारे 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा है ना, बेचेंगे भी पानी गिर रहा है। बेचेंगे भी ना,
हाँ, तो जिसको शुद्ध हल्दी चाहिए और पहाड़ की हल्दी चाहिए ना, कमेंट भी कर देना, जो मार्केट में रेट चल रहा होगा उस रेट से मिल भी जाएगी, एकदम सुखा के बेचेंगे। सुखा भी बेचुल, हाँ तो सुखा के जो भी होगा घिसाई विसाई करने के बाद जो है उसको बेचेंगे। जिसको चाहिए होगी पहाड़ की हल्दी, शुद्ध हल्दी, तो आप लोग कमेंट करना, हल्दी भी अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी जिसको काले बकरे चाहिए होंगे पूजा के लिए, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। और पहले तो मुर्गे भी अवेलेबल होते थे, लेकिन इस टाइम पे जो है ना मैंने मुर्गियों का काम छोड़ दिया है, तो वैसे हो जाते हैं, अरेंजमेंट कर लेता हूँ मैं। जिसको भी मतलब मुर्गी बकरी और हल्दी घर से रिलेटेड, जैसे अदरक है वो भी चाहिए होगी तो वो भी बता देना, सब मिल जाता है। एक भड्डू पका के तो जो है ना सुखाने डाल दिया, अभी यहीं पर डाला है क्योंकि इसका जो पानी निकल जाएगा ना, तो उसके बाद जो है इसको हम छत में ले जाएंगे, वहाँ सुखाएंगे। और अब जो है दूसरा भी भड्डू तैयार है, इसको भी रख दिया है आग में और इसमें पानी डालते हैं और इसको भी पूरे तरीके से पका लेते हैं। दो भड्डू आज पकाएंगे और दो भड्डू जो है ना कल पकेंगे, क्योंकि अब तो ये वाला भड्डू पकने में टाइम ही लगेगा। और ये सब तो कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ना और भी घरेलू काम कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का और माता जी और भाभी जी जो है यहाँ पर चाय पी रहे हैं और साथ में नमकीन भी खा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में जो है ना ट्यूशन के बच्चे आने वाले ही होंगे, और सुबह गेहूं बना के रखे थे वो सामने रखे, तो अभी उनको चक्की भी पहुँचाना है, तो मैं चक्की पहुँचा के आता हूँ उनको। और हमारी चक्की कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ चक्की से घर, और अंदर जो है ना भाभी जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, और माता जी जो है ना वो सामने खेत में गई है, वो वहाँ पर दिख रही है, और खेत से निकाल रही है जो गेहूं के बीच में घास होती है, गुल्ली डंडा कूड़ा वगैरह वो सब निकाल रही है माता जी। और कुछ जो है ना यहाँ पर निकाल के भी रखा है, ये देखो, ये है बेथुआ जो गेहूँ में जम जाता है गोबर डालने से, और ये है गुल्ली डंडा भी है इसमें, और कुछ इसमें कूड़ा घास भी है, इसको कूड़ा घास बोलते हैं। और ये है गुल्ली डंडाई, इसके इतने सारे बीज हो जाते हैं, और ये बीज अगर पकने के बाद झड़ गया तो पूरे खेत में फैल जाता है और अगले साल फिर उसी टाइम पे फिर से जम जाता है, तो इसलिए जो है ना इस घास को जितना हो सके उतना माताजी निकाल रही है। तो अभी जो है ना मैंने मुर्गियां भी खोल दी हैं, क्योंकि आज सुबह से जो है ना हम लोगों ने मुर्गी नहीं खोली थी, और दिन तो हम दिन में खोल देते थे, लेकिन आज दिन में नहीं खोली क्योंकि हमारे पास एक मुर्गा था ना, तो उस मुर्गे को जंगली बिल्ली ने काट दिया, मतलब कि मार दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया, तो इसलिए जो है हम लोग आजकल इनको थोड़ा सा लेट खोल रहे हैं और अपनी निगरानी में रख रहे हैं। और अब जो हमारे पास बची है ना मुर्गियाँ, ये बची हैं, दो कड़कनाथ हैं और एक ये वाली जो है ना ये उत्तरा फॉल है बीच वाली, इसके सर में भी बाल हैं और पैर में भी बाल हैं, और एक बार ये कुड़ुक भी बैठी है, मतलब कि ये कुड़ुक वाली मुर्गी। और एक ये बची है जो कड़कनाथ की क्रॉस ब्रीड है, तो ये इसका कलर वाइट है लेकिन ये कड़कनाथ की क्रॉस ब्रीड है। तो हमारी माता जी ने जो है ना खेत से आज इतनी सारी घास निकाल दी है और दोनों गट्ठे बांध भी दिए हैं, और अब जो है मैं आ गया हूँ यहाँ पर और मैं ले जाता हूँ घास को जानवरों के पास, क्योंकि माता जी ने घास निकाली है, थोड़ा थकी भी होगी, तो अब जो है गट्ठा मैं ले जाता हूँ। तो अभी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन से घर, और अभी शाम होने में भी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी अंधेरा पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो भाभी जी यहाँ पे काम कर रही हैं। वो क्या काम कर रही हैं खुद बताएंगी। क्यारी से घास निकाल रही हैं, क्यारी तैयार कर रही हैं अपनी फूलों की। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है क्यारी? यहाँ से वो वहाँ से वो उधर तक, और बीच बीच में इसमें पुदीना भी लगा रखा है। कहाँ है पुदीना दिखाओ। ये देखो, एक यहाँ पे लगा रखे हैं कुछ पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं, कुछ पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं, बाकी ऐसे करके पुदीना लगा रखा है, और थोड़े दिनों बाद जो है ना पुदीना फैलने लग जाएगा, क्योंकि इसमें सुबह शाम पानी भी पड़ रहा है। और गोलू भाई भी आ गया, हेलो गोलू। और गोलू ने जो है ना स्वेटर नहीं पहन रखी है, तेरे को जाड़ा नहीं हो रहा है? अच्छा,
यहाँ पे गोलू भी आ रखा है और गोलू की मम्मी भी आ रखी है। गोलू की मम्मी गुड़ाई कर रही है और गोलू भाई यहाँ पे साथ देने आया है, देखने आया है, देखने के लिए आ रखा है। चल ठीक है, मतलब कि गोलू भी ना मेरी तरह लगा है मम्मी के पीछे पीछे। अभी अंधेरा होने ही वाला है और दूसरा वाला भड्डू भी पक्के पूरा तैयार हो गया है और अब जो है ना हम इस आग को भी बुझा देंगे क्योंकि गर्मी के दिन है और अब हवा भी चलनी स्टार्ट हो गई है, कहीं आग इधर उधर ना लग जाए और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो है अब इसको भी उतार देते हैं और आग भी बुझा देते हैं और आज के व्लॉग को भी ख़त्म कर देते हैं। मैं लक्ष्मण उत्तराखंड के गोलापार से मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जागी रया मेरो यो पहाड़।